एक एजेंडा हम लोगों का है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को किसी भी रूप में हम लोग छूटने नहीं देंगे। 28 तारीख को हम अंतिम दिन जो होता है यहाँ का, उस दिन नॉमिनेशन किया जाएगा हमारे द्वारा जो एनडीए के सम्मिलित परिवार संयुक्त उम्मीदवार के रूप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। जीताराम मांझी का सुर एकदम से बदल गया है। दो चार दिन से लगातार वो अयोध्या जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। 23 मार्च को अपने पूरे परिवार के साथ वो अयोध्या जाएंगे, श्री राम प्रभु का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो आएंगे तो गया में जाके अपनी लोकसभा सीटों का नामांकन दाखिला दर्ज करेंगे। इससे पहले क्या कुछ पत्रकारों के सामने जीताराम मांझी बयान दिए हैं, पहले उनके बयानों को सुनिए। तो देखिए, उनकी अपनी बात है, पहले ही हम लोग कहे थे कि ये जो एनडी के लोग हैं ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। जिस दिन पटना में उनकी बैठक हुई थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस दिन भी हमने कहा कि इन लोगों की जो है, जैसे बैंक को एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता है, उसी प्रकार से इन लोगों को एक तराजू पर नहीं तोला जाएगा। और जिसके कारण ही आज हो रहा है, अब ये इनडिसिप्लिन है, ये जब तय नहीं है और जाकर के सिमूल दे दिया, वो लड़ रहा है कि क्या हुआ, कुछ नहीं। बैठने की एनडी समाप्त, घमंडिया गठबंधन समाप्त। सर आप बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे, नहीं कोई भी निर्णय बाकी है। देखिए, हर चीज का अनेक एंगल होता है। आज अयोध्या जो बन गई, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं मिला, रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोटी मिलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने नहीं कहा, नरेंद्र भाई मोदी जी या भाजपा के बारे में लोग कहता है ये शेड्यूल कास्ट विरोधी है, तो एक ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी कर दिए, हम आलोचना करते थे कभी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, सब कोई रामचरितमानस की बात करते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी इसकी चर्चा कोई नहीं करते हैं। और वाल्मीकि जी को तरजीह नहीं मिलती है। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमारी बात को उन्होंने सुनी। आज अयोध्या जो इतने बड़ा मुकाम पाने जा रहा है, वहाँ का एरोड्रम का नाम जानते हैं क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि एरोड्रम अयोध्या था। तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया, बता दिया कि हम सबके लिए हैं। लोग कहता है कि हम जाति विशेष की बात करते हैं, वो नहीं है। और उसके अलावा बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो आप कहते हो अयोध्या, और फिर हम ना है भाई, हम सही बात है कि अब उसको नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारा बेटा जो संतोष है 9 दिन नवाह करता है, एकदम नींबू पानी में रहता है, तो हम सामाजिक आदमी है, जानवर न है कि इन्होंने चल जाएंगे। तो उन लोगों का मन हुआ पूजा करके ही नॉमिनेशन किया जाए, इसलिए हम 23 को अयोध्या जा रहे हैं, 24 को हम आवेंगे, 25-26 अपना हम लोगों का होली होली का मामला है, 27 को भी अपना यहाँ रहेंगे, 28 को एक एजेंडा हम लोगों का है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को किसी भी रूप में हम लोग छूटने नहीं देंगे। उनको एक बार जरूर फिर तीसरा बार उनको भारत के प्रधानमंत्री बनावेंगे, इसलिए हम लोग तन मन धन से बात करेंगे। जी भाई, तो कंस्टिट्यूंसी में हम ये जरूर कहना चाहते भी हैं, और यहाँ का जनता का बच्चा ये समझता है कि, और जानता है जो राजनीतिक शुद्ध बुद्ध रखता है, कि जब से गया कंस्टिट्यूंसी बनी है, इस कंस्टिट्यूंसी से कोई भी केंद्र में आज मंत्री नहीं बना है। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जितना जीतन मांझी को जानते हैं, प्यार करते हैं और तरजीह देते हैं, तो यहाँ से अगर जीतन मांझी सांसद के रूप में जाएगा तो सिर्फ सांसद ही नहीं रहेगा, वो एक कदावर मंत्री बनेगा, ये यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी लोग जानते हैं, तो इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जहाँ तक और मुद्दा की बात है, तो अभी भाषणों में हमने कहा कि हमारा राज्य, हमने हमारा जिला दक्षिणी बिहार में पड़ता है, और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की बात आती है प्रायः। नीतीश कुमार माननीय गंगा जल लाने का प्रयास किया गया तक, लेकिन वो सिंचाई पर्पज से नहीं है, वो पेयजल के पर्पज से है।
और हम समझते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं कि गलत काम हुआ, अच्छा काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे कम खर्च में आज 6,000 करोड़ रुपया वहाँ खर्च हो रहा है, 4500-4200 करोड़ रुपया तो खर्च हो चुका, नवादा जाने में और कुछ लगेगा। तो कहने का मतलब फुल रूप में जो गंगा उद्वह योजना जो है उसको आने में 6,000 करोड़ रुपया लगेगा। हमारी सोच यही थी और हमने ऐसा काम भी किया था कि सोन नदी का पानी हम यहाँ फल्गू में गिरा में घोड़ा घाट में, और घोड़ा घाट में गिरा करके उसको हम यहाँ पर बिथो के नज़दीक में बराज नहीं एक बियर बनावेंगे। बराज और बियर में फर्क होता है, बियर बनावेंगे और बियर बना करके एक नहर निकाल करके मोकामा टाल तक पानी को ले जाएंगे। तो कहने का मतलब कि वहाँ से जो पानी आता है फल्गू में आता मोकामा टाल जाता, तो ये हर वक्त प्रवाहित होने वाली नदी ये बन जाती, जो एक शराब इस नदी को है वो शराब से मुक्त हो जाता। और दूसरी बात कि बीथो से लेकर के बोध गया तक दोनों किनारा में, नदी के दोनों किनारा में हम अच्छा सड़क बना देते, जो कि यहाँ वहाँ आदमी को टहलने में गया का जो ट्रैफिक है उसको ईज करने में भी वो काम देता। उधर से आदमी आता फिर दूसरे कोण से चल जाता। और यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम होता है इसमें कि अनेकों बोट चलते, अनेकों नावक नावें चलती जिस पर देश और विदेश के लोग आकर नौकायान करते, और उससे बिहार को बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ रुपया हम समझते हैं कि मिलता, जिससे कि बिहार की आमदनी में वृद्धि होती। ये हमारे दिल में सबसे बड़ी तमन्ना है। हम धन्यवाद देते हैं खास करके भाजपा के हमारे और रिंकू जी के, टिंकू जी के, जिन्होंने बहुत अच्छा से मैनेज किया, और हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से ब्रद के भी लोग उसमें साथ दिए, जदयू के लोग भी साथ दिए, और एक अच्छी मीटिंग हुई। हजारों की संख्या में हमारे लोग आए, सब लोगों ने सभी नेताओं की बात सुनी और सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी का जो काम है, जो उनका समूचे संसार में आज ध्वजा फहरा रहा है एक लोकप्रिय नेता के रूप में, और सामाजिक क्षेत्र में भी, वैदेशिक दृष्टिकोण से भी, साइंस के दृष्टिकोण से भी, जो उन्होंने हिंदुस्तान और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, पिछले कई एक दशकों में इस प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं मिला था भारत को जो दिया हो, तो उनका 400 सीट का उन्होंने घोषणा की है। हम लोग कहते हैं 400 पार, कोई 11 नहीं, 415, 420, 425 भी हम लोग हो सकते हैं। इसके लिए सब लोग ने संकल्प लिया और उसके लिए आवश्यक है कि बिहार से 400 सीट जीते, और जब बिहार से 400 सीट जीतते हैं तो गया का भी सीट भी जीतने का उन लोगों ने संकल्प लिया कि हर हालत में हम लोग गया की सीट हम लोग जीतेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में एक पुष्प जरूर देंगे ताकि 400 बार हो जाए और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये संकल्प हमारे सभी साथियों ने लिया और लोगों ने सबको बताया क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, बूथ स्तर पर और प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति बना लेना चाहिए और उससे सबसे समन्वय कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। और फिर 28 तारीख को हम अंतिम दिन जो होता है यहाँ का, उस दिन नॉमिनेशन किया जाएगा हमारे द्वारा, जो NDA के सम्मिलित परिवार संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हम करेंगे, और सभी को उस दिन उपस्थित होने के लिए भी आह्वान किया गया। तो आपने सुना साफ साफ शब्दों में जीताराम मांझी का कहना है कि पहले हम अयोध्या जाएंगे अपने पूरे के परिवार के साथ, श्री राम प्रभु का आशीर्वाद लेकर वापस आएंगे, फिर 28 मार्च को गया में जाके नामांकन दाखिला करेंगे। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही, आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।